ओके, लीनियर प्रोग्रामिंग में हम लोगों ने अभी तक इक्वेशंस ड्राफ्ट करना या फॉर्मुलेट करना सीखा। अब हम लोग सीखेंगे इन इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व किया जाए। लीनियर प्रोग्रामिंग की इक्वेशंस को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, एक ग्राफिकल और एक सिंप्लेक्स मेथड। आज हम लोग सिंप्लेक्स मेथड को समझेंगे। सिंप्लेक्स मेथड समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ एप्पल INC का, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है। ये कंपनी दो प्रोडक्ट्स में डील करती है, एक लैपटॉप और एक मोबाइल। दोनों प्रोडक्ट फाइनली मार्केटेबल कंडीशन में आने से पहले कंपनी के दो डिपार्टमेंट में प्रोसेस होते हैं, एक डिपार्टमेंट वन, एक डिपार्टमेंट टू। लैपटॉप को प्रोसेस होने के लिए डिपार्टमेंट वन में 30 आवर्स कंज्यूम होते हैं और लैपटॉप को डिपार्टमेंट टू में प्रोसेस होने के लिए 5 आवर्स कंज्यूम होते हैं। सिमिलरली मोबाइल फोन की एक यूनिट को प्रोसेस होने के लिए डिपार्टमेंट वन में 20 आवर्स कंज्यूम होते हैं और डिपार्टमेंट टू में 10 आवर्स कंज्यूम होते हैं। मेरे पास डिपार्टमेंट वन के टोटल अवेलेबल आवर्स हैं 300 आवर्स और डिपार्टमेंट टू में मैं मैक्सिमम 110 आवर्स वर्क कर सकता हूँ। लैपटॉप की मेरी एक यूनिट मुझे ₹2 पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कमा के देगी। सिमिलरली मोबाइल की मुझे एक यूनिट ₹10 पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कमा करके देगी। अब हम देखेंगे, ये मेरे पास लीनियर प्रोग्रामिंग की मैट्रिक्स तैयार हो गई। इस मैट्रिक्स से मैं इक्वेशंस बनाऊंगा। मेरी क्या इक्वेशन बनेगी? मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा मैक्सिमाइज जेड, जो कि होगा टू। इस प्रोडक्ट को सिंपलिसिटी के लिए मैं नाम दे देता हूँ X1 और इस प्रोडक्ट को मैं सिंपलिसिटी के लिए नाम देता हूँ X2। तो मेरा मैक्सिमाइज फंक्शन क्या बनेगा? 2X1 प्लस 10X2। ठीक। अब ये मेरा मैक्सिमाइज फंक्शन बना सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कॉन्स्टेंट्स, और इस इक्वेशन में मेरे पास कॉन्स्टेंट क्या है? डिपार्टमेंट वन में 300 आवर्स एंड डिपार्टमेंट टू में 110 आवर्स। तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी 30X1 प्लस 20X2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 300 आवर्स। और सेकेंड इक्वेशन मेरी बनेगी डिपार्टमेंट टू की 5X1 प्लस 10X2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 110 आवर्स और मेरे X1 और X2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये मेरी लीनियर प्रोग्रामिंग की इक्वेशन बन गई। अब मुझे सीखना है इन इक्वेशंस को मैं किस तरह से सॉल्व करूंगा। लीनियर प्रोग्रामिंग की इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, हम समझेंगे। मान लीजिए इस इक्वेशन में मुझे प्रोडक्ट बनाना है एक लैपटॉप, एक प्रोडक्ट बनाना है मोबाइल। डिपार्टमेंट वन के 300 आवर्स को कंज्यूम करके मैं कितने प्रोडक्ट X1 बनाऊं और कितने प्रोडक्ट X2 बनाऊं, ये कहलाएगा मेरा लीनियर प्रोग्रामिंग की इक्वेशन को सॉल्व करना। ठीक है, इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग सीखेंगे सिंप्लेक्स मेथड। तो सिंप्लेक्स मेथड की सबसे पहली कंडीशन होगी कि जो मेरा लेस देन इक्वल टू का साइन है, इसे मैं कन्वर्ट करूंगा इक्वल टू साइन में। लेस देन इक्वल टू साइन को मुझे इक्वल टू साइन में कन्वर्ट करना है। लेस देन को इक्वल टू में कन्वर्ट करने के लिए आइए सीखते हैं क्या करना होगा। मेरे पास इक्वेशन है 30X1 प्लस 20X2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 300। इसका मतलब ये हुआ मेरा जो LHS है ये मेरे RHS से स्मॉलर है, लेस देन है। जब ये मेरा LHS, ये मेरी फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन से लेस होगा, इसका मतलब यहां पर कुछ और वेरिएबल होगा जिसे ऐड करने पर मेरा ये लेस देन इक्वल टू साइन कन्वर्ट हो जाएगा इक्वल टू साइन में। तो मैं क्या वेरिएबल ऐड करूं जिससे मेरी ये इक्वेशन इसके LHS इज इक्वल टू मेरा RHS हो जाए? यहां पर मैं एक वेरिएबल ऐड करता हूं, उस वेरिएबल को मैंने नाम दिया स्लैक वेरिएबल। क्या नाम दिया? स्लैक वेरिएबल, जिससे मैं डिनोट करूंगा S से। तो जो मेरी इक्वेशन है 30X1 प्लस 20X2 इज
इज लेस देन इक्वल टू 300 वो मेरी इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगी अगर मैं यहाँ पे एक स्लैक वेरिएबल ऐड करता हूँ। अब मेरी ये जो इक्वेशन है ये मेरी लेस देन इक्वल टू से कन्वर्ट होकर इक्वल टू में चलेगी। सिमिलरली जब मैं इक्वेशन टू की बात करता हूँ, मेरी इक्वेशन टू है 5x1 प्लस 10x2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 110। इसका मतलब मेरा LHS RHS के इक्वल टू करने के लिए मुझे यहां पर एक स्लैक वेरिएबल ऐड करना होगा जिसे मैं नाम देता हूं S2। अब हम समझेंगे ये मेरा S2 क्या है। समझने के लिए मैं इस स्लैक वेरिएबल को कहूंगा ये मेरे अवेलेबल कैपेसिटी है, अवेलेबल कैपेसिटी है, ये मेरी स्पेयर कैपेसिटी है, ये मेरे एक्स्ट्रा कैपेसिटी है। जब ये मेरी एक्स्ट्रा कैपेसिटी है इसका मतलब मैं कहूंगा कि जो मेरे डिपार्टमेंट वन में 300 आवर्स अवेलेबल हैं वो मेरे पूरे के पूरे एक्स्ट्रा आवर्स हैं। दैट मीन्स ये मेरे पूरे के पूरे स्लैक आवर्स हैं। इन स्लैक आवर्स में से मैं कितना प्रोडक्ट X1 बनाऊं, कितना मैं प्रोडक्ट X2 बनाऊं, या मैं इन 300 आवर्स को पूरा का पूरा स्पेयर रहने दूं, ये डिसीजन मैं लूंगा सिंप्लेक्स टेबल बना करके। तो ये रहा मेरे पास सिंप्लेक्स टेबल 1 का फॉर्मेट। अब मेरी नई इक्वेशंस क्या बन गई, 30x1 प्लस 20x2 प्लस S1 इज इक्वल टू 300। और मेरी सेकेंड इक्वेशन क्या बनती है, 5x1 प्लस 10x2 प्लस S2 इज इक्वल टू 110। अब मुझे यहां पर देखना यह है कि S1 से दैट मीन्स मेरे पास जो स्पेयर आर्स रखे हुए हैं, मेरे पास डिपार्टमेंट 1 में जो 300 आर्स हैं उनसे कितना मैं प्रोडक्ट X1 बनाऊंगा और उनसे कितना मैं प्रोडक्ट X2 बनाऊंगा, या मैं X1 और X2 नहीं बना के इन आर्स को स्पेयर्स कितना रखूंगा, ये मुझे बनाएगी मेरी टेबल 1, सिंप्लेक्स टेबल 1। X1, X2, S1 एंड S2 ये कहलाएंगे मेरे रियल वेरिएबल्स। इन्हें मैं यहां पर पुट करूंगा X1, X2, S1 एंड S2 ये कहलाएंगे मेरे रियल वेरिएबल्स। और रियल वेरिएबल्स मुझे X1 कितना कंट्रीब्यूशन कमा कर दे रहा है, ये मुझे कंट्रीब्यूशन दे रहा है ₹2 जो आएगा मेरा CJ की वैल्यू में। CJ मुझे बताता है कोएफिशिएंट ऑफ रियल वेरिएबल्स। मेरा रियल वेरिएबल्स X1 का कोएफिशिएंट है 2, X2 का कोएफिशिएंट या मैं कहूंगा कंट्रीब्यूशन है 10। S1 और S2 मेरे स्लैक वेरिएबल्स हैं, दैट मींस ये सिर्फ एक मेरी इमेजिनेटरी फिगर्स हैं, ये मुझे कोई कंट्रीब्यूशन कमाकर नहीं दे रहे हैं, इसलिए इनका कोएफिशिएंट कहलाएगा 0 एंड 0। उसके बाद मैं कहूंगा मेरे पास डिपार्टमेंट 1 में स्लेक आर्स हैं 300 और मैं कहूंगा डिपार्टमेंट 2 में स्लेक आर्स हैं 110। जो मेरे स्लेक आर्स हैं उनको मैंने डिनोट किया S1 और S2 जो कहलाएंगे मेरे बेसिक वेरिएबल्स। इन्हें मैं S1 और S2 को यहां पुट करूंगा और इनका कंट्रीब्यूशन मेरे पास है 0 एंड 0। मेरे पास डिपार्टमेंट 1 में स्पेयर आर्स हैं 300 और मेरे पास डिपार्टमेंट 2 में स्पेयर आर्स हैं 110। अब मैं देखना ये है X1 जो है उसकी वैल्यू मेरे पास जो मेरी इक्वेशन है उसमें है 30, X2 की वैल्यू है 20, S1 की वैल्यू मेरे पास इक्वेशन 1 में है 1 और S2 जो कि मेरे पास इक्वेशन 1 में नहीं है इसलिए इसकी वैल्यू यहां पर मैं डालूंगा 0। सिमिलरली इन इक्वेशन 2 मेरे पास X1 की वैल्यू है 5, X2 की वैल्यू है 10, S1 मेरे पास इक्वेशन 2 में नहीं है और S2 मेरे पास इक्वेशन 2 में इसकी प्रोडक्ट X1 जो कि 30 आवर्स कंज्यूम करता है डिपार्टमेंट 1 में,
मैं कहूंगा अगर मैं प्रोडक्ट X1 नहीं बना के अगर मैं उन्हें स्पेयर रहने देता हूं तो मुझे कितना कंट्रीब्यूशन मिलेगा, मैं कहूंगा 30 × 0, दैट इज 0। एंड सिमिलरली डिपार्टमेंट 2 में प्रोडक्ट X1 नहीं बना के जो मेरे 5 आवर्स कंज्यूम होते अगर उन्हें मैं स्पेयर रहने देता हूं, उनसे मैं X1 नहीं बनाता, तो वो मुझे कितना कंट्रीब्यूशन कमा के देगा, मैं कहूंगा 5 × 0, 5 × 0 दैट इज 0, ये कहलाएगा मेरा ZJ। दोबारा समझेंगे X2 में, अगर मैं X2 नहीं बना करके डिपार्टमेंट 1 में जो 20 आवर्स कंज्यूम होते उन्हें X2 नहीं बना के स्पेयर रहने देता हूं तो मुझे कितना कंट्रीब्यूशन मिलेगा, मैं कहूंगा 20 × 0 दैट इज 0। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं कुछ नहीं बनाता हूं तो मैं वो आवर्स मेरे पास स्पेयर रह जाएंगे और स्पेयर रह जाएंगे दैट मीन्स मेरे पास कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। सिमिलरली X2 नहीं बना के मैं 10 आवर्स को स्पेयर रहने देता हूं डिपार्टमेंट 2 में तो मैं कितना कंट्रीब्यूशन कमाऊंगा, दैट मीन्स 10 × 0 इज इक्वल टू 0, ये कहलाएगा मेरा ZJ। सिमिलरली मैं S1 और S2 के लिए कैलकुलेट करूंगा, 1 × 0 प्लस 0 × 0 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली S2 में 0 × 0 प्लस 1 × 0 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगी मेरे पास ZJ की वैल्यू। ये कहूंगा मैं ZJ की मेरे पास वैल्यू। यहां तक हमने बोला था अगर मैं X1 नहीं बनाता तो ये मेरे ZJ की वैल्यू निकल कर आई थी। अब मैं बोलूंगा अगर मैं X1 बनाता हूं तो मुझे कितना कंट्रीब्यूशन होगा, मुझे कंट्रीब्यूशन होगा ₹2 पर यूनिट का, मुझे ₹2 का कंट्रीब्यूशन होगा, दैट मींस मेरा CJ − ZJ कितना होगा, 2 − 0 दैट इज 2। सिमिलरली मैं बोलूंगा अगर मैं मेरे डिपार्टमेंट के आर्स स्पेयर रखने की जगह अगर मैं X2 बनाता हूं तो मुझे कितना कंट्रीब्यूशन होगा, दैट मींस 10 − 0 इज इक्वल टू 10, मुझे इतना कंट्रीब्यूशन होगा। सिमिलरली S1 में 0 − 0 दैट मींस 0 एंड S2 में 0 − 0 इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास निकल कर आ गई ZJ और CJ − ZJ की वैल्यू। CJ − ZJ मुझे बताता है स्पेयर रखने की जगह अगर मैं X1 बनाता हूं तो मुझे कितना कंट्रीब्यूशन मिलेगा। इसका मतलब अगर मेरा CJ − ZJ पॉजिटिव आ रहा है देन इट वुड बी बेटर टू प्रोड्यूस X1 और S2 रादर टू जो मेरी कैपेसिटी है उसे स्पेयर रखने की जगह X1 या X2 बना लिया जाए। अब मेरे पास क्वेश्चन आता है कि मैं X1 या X2 दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट पहले बनाऊं, तो क्योंकि मेरे पास X2 का कंट्रीब्यूशन X1 से ज्यादा है इसलिए मैं पहले बनाऊंगा X2, और जब मेरे पास इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है तो मैं इस X2 वाली कॉलम को कहूंगा की कॉलम, ये मेरा की कॉलम निकल कर आ जाएगा। की कॉलम बताता है मुझे कौन सा प्रोडक्ट पहले बनाना है तो मैं बनाऊंगा X2 उसके बाद। अब आप देखिए डिपार्टमेंट 1 में मेरे पास 300 आवर्स अवेलेबल हैं और मुझे X2 बनाने के लिए 20 आवर्स एक यूनिट के लिए चाहिए, तो मैं मैक्सिमम कितना बना सकता हूं, 300 / 20 दैट इज 15 यूनिट्स ऑफ X2। सिमिलरली डिपार्टमेंट 2 में मेरे पास 110 आवर्स अवेलेबल है और X2 की एक यूनिट बनाने के लिए मुझे 10 आवर्स कंज्यूम होते हैं, तो मैं मैक्सिमम कितनी यूनिट्स बना सकता हूं X2 की, दैट इज 11 यूनिट्स। अब मैं कहूंगा
अगर डिपार्टमेंट वन में मैं 15 यूनिट्स बना सकता हूँ, डिपार्टमेंट टू में मैं 11 यूनिट्स बना सकता हूँ, तो मेरी फिजिबल यूनिट्स, मेरी मिनिमम रेशियो क्या कहलाएगा? 11 यूनिट्स। क्योंकि मान लीजिए अगर मैं एक डिपार्टमेंट में 15 यूनिट्स बनाता हूँ पर वो दूसरे डिपार्टमेंट में सिर्फ 11 यूनिट्स ही प्रोसेस हो सकती हैं, तो मेरी एक्सेस जो 4 यूनिट्स हैं वो मेरी डिपार्टमेंट टू में अनप्रोसेस्ड रह जाएंगी। तो बेटर ये होगा कि मैं मेरी 11 यूनिट्स बनाऊं और वो ही 11 यूनिट्स मेरी डिपार्टमेंट टू में भी बन जाएंगी, तो मेरा की रो कहलाएगी S2। क्या कहलाएगी मेरी की रो? S2। ये हो गई मेरी की रो और ये कहलाएगा मेरा की, ये कहलाएगा मेरा की एलिमेंट। की कॉलम ने मुझे बताया कौन सा प्रोडक्ट मुझे बनाना है, की रो ने मुझे बताया कौन सा स्लैक वेरिएबल मुझे यूटिलाइज करना है, दैट मींस कौन से डिपार्टमेंट के कितने आर्स में यूटिलाइज करके कितनी यूनिट्स एक्स टू की बनाऊंगा। इससे मुझे निकल कर आया मैं डिपार्टमेंट टू में जो 110 आर्स अवेलेबल थे उसमें से मैं एक्स टू की 11 यूनिट्स बनाऊंगा और एक यूनिट बनाने में मुझे लगते हैं 10 आवर्स। दैट मींस डिपार्टमेंट वन के पूरे 110 आवर्स मैंने X2 बनाने में काम में ले लिए। दैट मींस डिपार्टमेंट वन में मेरी X1 कोई भी यूनिट नहीं बनेगी और मेरे पास कोई भी स्लैक नहीं बचेगा। दैट मींस मेरे पास डिपार्टमेंट टू में कोई स्पेयर आवर्स अवेलेबल नहीं होंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे सिंप्लेक्स टेबल 2। सिंप्लेक्स टेबल 2 बनाने की जरूरत क्यों बनी? क्योंकि मेरा CJ-ZJ की वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी। CJ-ZJ की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब मुझे आगे मेरे जो 80 आर्स, देखो मैं बताता हूँ आप लोगों को, मेरी जो इक्वेशन थी 30X1 प्लस 20X2 प्लस S1 इज इक्वल टू 300, मेरी दूसरी इक्वेशन थी 5x1 प्लस 10x2 प्लस S2 इज इक्वल टू 110 आवर्स। क्योंकि डिपार्टमेंट टू में मैंने 11 यूनिट्स बनाई X2 की, तो मेरे 110 आवर्स मेरे डिपार्टमेंट टू के कंज्यूम हो गए। यही 11 यूनिट्स जब मैंने डिपार्टमेंट टू में बनाई तो यही मुझे डिपार्टमेंट वन में बनानी होगी X2 की। दैट इज 11 यूनिट्स अगर मैं डिपार्टमेंट वन में बनाता, एक यूनिट बनाने के 20 आवर्स, तो मेरे 220 आवर्स कंज्यूम होते। अगर मेरे 220 आवर्स डिपार्टमेंट वन में कंज्यूम होते, दैट मीन्स अवेलेबल 300 आवर्स में 220 आवर्स मैंने X2 बनाने में कंज्यूम कर लिए, तो मेरे पास स्पेयर आर्स बचे 80। मेरे पास स्पेयर आर बचे 80 और जो मैंने टेबल वन बनाई थी, टेबल वन में जो मेरी की कॉलम थी, की कॉलम ने बताया था मुझे इनकमिंग वेरिएबल दैट इज X2 और मेरी की रो ने बताया था मुझे S2 दैट इज आउटगोइंग वेरिएबल। जब मेरा S2 बाहर गया तो यहां पर आया मेरा S2 की जगह आया X2। X2 का कॉन्ट्रीब्यूशन ₹10 और अभी भी मेरे पास S1 दैट इज डिपार्टमेंट 1 में अभी मेरे पास 80 आवर्स स्पेयर बचे हैं और S1 का कॉन्ट्रीब्यूशन है 0। अब जो मेरी की रो आई, की रो के टेबल 2 की जो वैल्यूज होंगी, सारी वैल्यूज को, जो ओल्ड वैल्यूज थी, उनको डिवाइडेड बाय आप की एलिमेंट कर देंगे। दैट इज 110 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 11, 5 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 1/2, उसके बाद 10 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 1, 0 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 0 एंड 1 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 1/10।
सिमिलरली जब मैं एस वन की वैल्यूज निकालूंगा, जब मैं डिपार्टमेंट वन की वैल्यू निकालूंगा, जब मैं मेरी इक्वेशन वन की वैल्यूज निकालूंगा, उसके लिए मैं एक फॉर्मूला यूज करूंगा। मेरा फॉर्मूला क्या होगा? मेरा फॉर्मूला होगा ओल्ड वैल्यू माइनस करस्पोंडिंग की रॉ इनटू मैं करस्पोंडिंग की कॉलम डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। इसका एप्लीकेशन देखेंगे हम लोग। ये मेरी सिंप्लेक्स टेबल वन है, ये मेरी सिंप्लेक्स टेबल टू। मुझे मेरी एस वन की वैल्यूज चाहिए। सिंप्लेक्स वन, सिंप्लेक्स टेबल वन की मेरी ओल्ड वैल्यू है 300, दैट इज ओल्ड वैल्यू इज इक्वल्स टू 300 माइनस करस्पोंडिंग की रो। करस्पोंडिंग की रो है मेरे पास 110 मल्टीप्लाई में करस्पोंडिंग की कॉलम। करस्पोंडिंग की कॉलम की मेरे पास में वैल्यू है 20, दैट इज 20 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट दैट इज 10 इज इक्वल्स टू 300 माइनस 2200 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल्स टू 80। ये मेरी वैल्यू निकल कर आ गई एस वन की 80। सिमिलरली जब मैं बात करूंगा एक्स वन एक्स टू एस वन एंड एस टू की, तो मेरे पास एक्स वन की फॉर्मूला लगाऊंगा मैं। क्या एक्स वन की ओल्ड वैल्यू थी मेरे पास 30 माइनस करस्पोंडिंग रो वैल्यू 5 इंटू करस्पोंडिंग कॉलम वैल्यू दैट इज 20 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय की एलिमेंट इज इक्वल्स टू 30 माइनस 100 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल्स टू 30 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 20। ये निकल कर आ गई मेरी x1 की वैल्यू 20। सिमिलरली x2 की वैल्यू के लिए हम लोग करेंगे x2 की ओल्ड वैल्यू माइनस करस्पोंडिंग रो वैल्यू एंड करस्पोंडिंग की कॉलम वैल्यू डिवाइडेड बाय में की एलिमेंट। ये देखिए आप, ओल्ड वैल्यू माइनस में करस्पोंडिंग रो कॉलम वैल्यू इनटू करस्पोंडिंग रो वैल्यू डिवाइडेड बाय की एलिमेंट इज इक्वल्स टू 20 माइनस 200 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल्स टू 20 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। ये निकल कर आई मेरी x2 की वैल्यू दैट इज 0। सिमिलरली s1 की कैलकुलेशन के लिए हम लोग ओल्ड वैल्यू माइनस 20 इनटू में 0 डिवाइडेड बाय 10 तो 1 माइनस 0 दैट इज 0। और s2 की वैल्यू हम लोग निकालेंगे 0 ओल्ड वैल्यू, मैं यहां लिख रहा हूं 0 माइनस करस्पोंडिंग की रो 1 इनटू करस्पोंडिंग की कॉलम 20 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट दैट इज 0 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू माइनस 2। ये मेरे पास s2 की वैल्यू निकल कर आई माइनस 2। अब मैं देखूंगा वापस से मेरा zj क्या होगा अगर मैं x1 नहीं बना के डिपार्टमेंट 1 के जो अवेलेबल ATRs हैं, जो अवेलेबल रिमेनिंग ATRs हैं, उनको स्पेयर ही रहने देता हूं तो मुझे कितना कंट्रीब्यूशन होगा। ये मैं कहूंगा मुझे कितना कंट्रीब्यूशन होगा दैट इज 20 इंटू 0 प्लस अगर मैं x1 को नहीं बना के डिपार्टमेंट 2 में जो x2 बन रहा है उसी को बनने देता हूं तो मुझे कितना कंट्रीब्यूशन होगा दैट इज 1 बाय 2 इंटू में 10 इज इक्वल्स टू, ये हो जाता है मेरा 0 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 5। मेरे zj की वैल्यू आ जाती है 5। इसी तरह से अगर मैं
एक्स टू नहीं बना के अगर मैं मेरे डिपार्टमेंट वन के 80 आवर्स को स्पेयर रहने देता हूं तो मुझे कंट्रीब्यूशन होगा 0 इंटू में 0 प्लस 1 इंटू में 10 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 10। सिमिलरली एस वन के लिए 0 इंटू में 0 प्लस 0 इंटू में 10 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। और सिमिलरली एस टू के लिए -2 इंटू 0 प्लस 1 बाय 10 इंटू में 10 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। ये मेरी वैल्यूज आ जाती हैं जेड जो की 5, 10, 0 एंड 1। अब मैं बोलूंगा कि मेरे पास x1 का कंट्रीब्यूशन है ₹2, x2 का है 10, s1 का 0, x2 का 0। सिमिलरली अब मैं बोलूंगा अगर मैं ये नहीं रख के s1 डिपार्टमेंट के 80 आवर्स को स्पेयर नहीं रख के और डिपार्टमेंट 2 में x2 को नहीं बना करके अगर x1 बनाता हूं तो मेरा इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा, दैट इज 2 - 5 = -3। ये होगा मेरा इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन। फिर मैं बोलता हूं अगर डिपार्टमेंट 1 के 80 आवर्स को स्पेयर नहीं रख के अगर मैं x2 बनाता हूं या डिपार्टमेंट 2 में मैं x2 नहीं बना करके x2 बनाता हूं तो मुझे कितना कंट्रीब्यूशन होगा, दैट इज 10 - 10 = 0। दैट इज ये मेरा इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन हो जाता है। सिमिलरली एस वन में 0 - 0 एंड एस टू में 0 - 1, दैट इज -1। ये मेरी सिंप्लेक्स टेबल 2 की सी जे माइनस जेड जे की वैल्यू निकल कर आती है। सी जे माइनस जेड जे की वैल्यू माइनस में अगर आती है दैट मीन्स मैं अगर फर्दर एक्स वन बनाता हूं तो मुझे कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, इंस्टेड मुझे लॉस होगा। तो बेटर टू नॉट प्रोड्यूस एक्स वन। तो मैं कहूंगा ये मेरी सिंप्लेक्स टेबल 2 फाइनल टेबल है और मुझे इसके आगे सॉल्यूशन नहीं करना। तो मेरी फाइनल वैल्यू क्या निकल करके आ जाएगी, मेरी फाइनल वैल्यू निकल कर आ जाएगी मुझे एक्स टू बनाना है, एक्स टू इज इक्वल टू मुझे 11 यूनिट्स बनानी है। तो मेरा जो मैक्सिमाइज z फंक्शन है जो कि था 2x1 + 10x2, दैट इज मैं x1 की कोई यूनिट नहीं बना रहा प्लस मैं x2 की यूनिट बनाऊंगा 11, दैट इज 0 + 110 = 110। ये मेरा टोटल प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। तो मेरा जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो ये होगा कि x1 की कोई यूनिट नहीं बनाऊंगा, x2 की मैं 11 यूनिट्स बनाऊंगा, डिपार्टमेंट 1 के 300 आवर्स में से 220 आवर्स में x2 बनाने में यूटिलाइज करूंगा, 80 आवर्स मेरे पास स्पेयर रहेंगे, डिपार्टमेंट 2 के 110 आवर्स में से मैंने 110 आवर्स x2 बनाने में यूटिलाइज कर लिए, मेरे पास स्पेयर आवर्स डिपार्टमेंट 2 में कुछ भी नहीं बचा। ये मेरा सिंप्लेक्स मेथड खत्म होता है।